तो ये है हमारा लॉन मूवर ये जो है बैटरी से चलता है थर्टी सिक्स जो वॉट की बैटरी है यस इट्स रेडी हेलो जी कैसे हैं आप आप देख रहे होंगे कि ये काउबो आए वाली कैप क्यों ली हुई है इसका भी एक राज है मैं आपको बताता हूँ आज सनी बहुत है दो चार दिन पीछे जो थे उसमें बरसात हो रही थी लेकिन आज दिन अच्छा निकला है और धूप काफ़ी है कैप मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं काटने वाला हूँ अपना खास हाँ जी आज करेंगे हम अपनी लॉन मूविंग खास काफ़ी बड़ा हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ और इसे आज काट हमारे बैक को सुंदर बनाते हैं तो ये देख लीजिए घास इसको हम काट कर आज अच्छे से सुंदर सा बना देते हैं अपने लॉन को तो आप देख लीजिए इस सारे लॉन को काटने में मुझे बाहर भी है ये बैक है एक घंटे से ऊपर लग जाता है समय तो हम काटने वाले हैं इस मशीन से इस मशीन को कहते हैं जी लॉन मूवर तो ये है हमारा लॉन मूवर ये जो है बैटरी से चलता है थर्टी सिक्स जो वॉट की बैटरी है लिथियम की वो इसमें लगती है और तकरीबन ये चार सौ स्क्वेयर मीटर घास एक बैटरी से काट देता है हमारे पास दो बैटरी से हैं तो बैटरी ये रही रेओबी कंपनी का है ये तो एक यहाँ पर है एक अंदर रखी हुई है तो दो बैटरी सफ़ीशियंट है हमारा जो है जो घास वाला एरिया है वो 500 से थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए दो बैटरीज लग जाती हैं जी अपना लोन हो गया है चकाचक आप देख रहे हैं कि सांस चढ़ी हुई है तो एक घंटा लगा एक घंटा पाँच मिनट तो फिनिश कर दिया आप भी देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है एंड पूरा ऐसा लग रहा है ना जैसे क्रिकेट की ग्राउंड हो तो अच्छे से कर दिया ऐसे हफ्ते में गर्मी हो तो हफ्ते में एक बार सर्दी हो तो दो हफ्ते में एक बार करना पड़ता है और ये मैंने चेयर भी धो के रख दी है अब शायद कैंपिंग पे भी जाएं आगे समय में लगे तो तो एक दो चेयर और खरीद लेंगे ये पुराने वाली थी तो शेड में पड़ी थी हमने धो दिए देखिए ये बाहर वाला एरिया भी जो है वो भी चकाचक हो गया है बहुत सुंदर लग रहा है वो हमारी गाड़ी खड़ी और ये घर के आगे वाला लोन जो हमारा है हमें ही करना पड़ता है ये गवर्नमेंट का है ये वाला और ये वाला लोन हमारा है और ये भी हमें करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में ऐसे जो होता है हर घर के बाहर आपको गार्डन मिल जाएगा और कई लोगों ने तो यहाँ पर अपनी चार दीवार कर रखी होती है फेंस लगाई होती है लेकिन हमने नहीं लगाई क्योंकि ऐसे ही सुंदर लगता है हमने ये बैक यार्ड को पर बंद कर दिया है ताकि हमारा डॉग जो टिमी है बाहर ना निकले उसके लिए हमने दोनों तरफ ऐसे गेट लगा दिए हैं बैक यार्ड हमारा सिक्योर है लेकिन फ्रंट यार्ड हमारा ओपन ही है रोड की तरफ कोई चारदीवारी नहीं कोई फेंस नहीं पर यहाँ पर हमने काफ़ी प्लांट वगैरह लगा इसको खूबसूरत बना रखा है जो ग्रास मैंने काटा था वो इस बिन में जाएगा ये ग्रीन वेस्ट बिन है इसमें घर की रबिश नहीं डाल सकते और हफ्ते में वो आते हैं एक बार उठा कर ले जाते हैं ये देखिए पूरा घास मैंने इसमें डाल दिया है लोन के बाद अब उपाधि आती है जी शावर की काफ़ी पसीना भी आ गया है और काफ़ी सांस भी फूल गई है थोड़ा समय आ, सांस लेते हैं और जैसे ही ये पसीना वगैरह सूख जाएगा उसके बाद मैं लेता हूँ शावर उस, उसके बाद आपको मिलता हूँ देख लीजिए का बच्चा आइसक्रीम कैसे खा रहा है मारी यू ईटिंग बात हैव यू फिनिश्ड नहीं मिली नहीं आज झूठ ना मारो यू बिग वन हम्म तो लो जी मैसेज जो है सफाई कर रहे हैं यहाँ पे बैक यार्ड की यहाँ पे काफ़ी डस्ट आ जाती है हफ्ते में एक बार यहाँ पे ही सफाई करनी पड़ती है तो यहाँ पे हमारा छोटा सा किचन का एरिया भी है ये देख लीजिए तो बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया सा खाए हुए आज करते हैं हम चारकोल वाला बारबेक्यू और उस पर बनाते हैं चिक चिकन नहीं चिकन तो हम खाते नहीं तो उस पर बनाते हैं पनीर टिक्का तो मैंने उसके लिए आपको दिखाता हूँ क्या किया है तो सबसे पहले दिखा दूँ तो उसके लिए मैंने बेल पेपर कैप्सिकम भी कहते हैं ऐसे शिमला मिर्च भी कहते हैं हम तो उसको क्यूब्स में काट लिया है अनियंस को क्यूब्स में काट लिया है और पनीर पनीर को भी क्यूब्स में काट लिया है तो सबसे पहले करते हैं हम पनीर टिक्के की मैरिनेशन तो मैरिनेशन तैयार करते हैं और उसके बाद बाहर जाएंगे और अपना जो चारकोल वाला बारबेक्यू है उसे हम टर्न ऑन करते हैं तो मेरीनेशन के लिए मैंने ना जो प्लेन वाला योगर्ट होता है वो ले लिया है तो इसे हम विस्क के साथ पहले जो है इसको अच्छे से मुलायम कर लेंगे तो मैरिनेशन में सबसे पहले हम डाल देंगे सोल्ट मैरिनेशन आपकी जितनी अच्छी होगी ना चिकन चिकन फिर कह रहा हूँ पनीर टिक्का आपका उतना ही अच्छा बनेगा तो मैरिनेशन में मसालों की कंजूसी मत कीजिए उसके बाद डाल देंगे जी चाट मसाला अब ये गया हमारा चाट मसाला चाट मसाले के बाद मैं थोड़ी सी डाल दूंगा जी काली मिर्च तो मसाले ज्यादा भी नहीं कर देने हैं लेकिन कंजूसी भी नहीं करनी है काली मिर्च के बाद जाएगी थोड़ी सी रेड चिल्ली रेड चिल्ली के बाद थोड़ा सा जाएगा धनिया और जीरा पाउडर यह सब मसालों को हम अच्छे से अब मिला लेंगे तो देख लीजिए हमारी मैरिनेशन का कलर ऐसा बन गया है काफी देखने में सुंदर लग रही है मैरिनेशन में सबसे पहले जाएंगे हमारे क्यूब्स ऑफ बेल पेपर तो शिमला मिर्च चली गई इसके बाद बारी आती है जी हमारे ऑनियन क्यूब्स की लो जी अब जा रहे हैं हमारे ऑनियन क्यूब्स आएगा हमारा पनीर तो इनको अब तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें मैरिनेट करना है अच्छे से जो हमने योगट वाला घोल बनाया है उसमें हिलाना है ताकि इन पर अच्छे से मसालों की परत जो है चढ़ जाए चलिए मैं ये सॉफ्ट वाली जो है ना स्पेक्चुला यूज कर रहा हूँ बहुत ही सॉफ्ट है ये रबड़ वाली है ताकि जो हमारा पनीर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है वो क्यूब्स टूटे ना बहुत ही ध्यान से करनी होगी मलाई वाला पनीर है ये तो यूजली अगर आप हार्ड कर्छी या हार्ड स्पून यूज करते हैं मैरिनेशन को मिलाने के लिए तो पनीर के टूटने के जो चांसेस हैं काफी बढ़ जाते हैं तो लो जी हमारी मैरिनेशन अच्छे से हो गई है तो मैरिनेशन को कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने देते हैं ताकि जो मसाले हैं अच्छे से हमारे जो भी हमने स्टफ़ डाला है उसमें चले जाएं और इतने में हम बाहर चलते हैं और जो हमारा कोले वाला बारबेक्यू है उसको जलाते हैं क्योंकि उसे भी टाइम लगता है गर्म होने में तो अब चलते हैं बाहर की ओर तो ये है जी हमारा बाहर बैठने वाला जुगाड़ जो बनाया हुआ है ऊपर रूफ है तो इस साइड पूरा गार्डन का व्यू है तो यहाँ पर हम ये हमारा प्यार ये है जी हमारा बारबेक्यू इसमें मैंने कोयला पहले ही डाल के रख दिया है ये रहा कोयला और इसमें डाल देंगे थोड़े से जो ये वाले हैं इसे फायर लाइटर्स कहते हैं इससे क्या होता है कि आसानी से कोयला जो है बल जाता है तो इसमें कुछ क्यूब हम फायर लाइटर्स के रख देते हैं कि जो व्हाइट वाले हैं ना इन्हें फाइव लाइटर्स कहते हैं तो अब इनको जलाएंगे और अच्छे से ये जो है इजीली जल जाते हैं और कोयले को भी जलने में मदद करेंगे एक प्रॉब्लम हो गई है कि आग जलाने के लिए माचिस तो घर पर मिल ही नहीं रही मैंने पूरा घर छान मारा और कहीं भी मुझे माचिस दिखाई नहीं दी बीवी भी ढूंढ रही है लगता है मुझे शॉप पर जाना पड़ेगा और माचिस लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि माचिस के बिना तो हम कोयले बाल नहीं सकते क्योंकि जिस पर हम हर रोज़ कुकिंग करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं उसको जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसीलिए हमारे घर में माचिस यूजली रहती है लेकिन पता नहीं कहाँ पर रखती वो कॉमन चीज़ नहीं है हमें तभी माचिस चाहिए होती है जब हम बारबेक करते हैं या फिर जोत जगाते हैं जोत भी हमारी जो अभी इलेक्ट्रिक वन है इसीलिए माचिस काफ़ी समय से यूज़ नहीं की है तो अभी मिल नहीं रही तो मैं जाता हूँ शॉप पर जल्दी से और जाकर माचिस लेकर आता हूँ तो इससे पहले कि शॉप बंद हो जाए क्योंकि शाम का समय हो चुका है मैं जाने ही वाला था लेकिन बीवी की पीछे से आवाज़ आ गई कि ओ मुझे मिल गई माचिस तो मेरा शॉप पर जाना बच गया और तो लो जी मिल गई माचिस तो अब जलाते हैं हमारे बारबेक्यू को लो जी हमारा बारबेक्यू जल चुका है आप भी देखिए तो जो फायर वाले थे ना उनमें मैंने आग लगा दी थी जो वाइट वाले हैं तो ये अपने आप कोयले को धीरे धीरे जला देंगे अभी इसको हम खुला खुला ही छोड़ेंगे कवर नहीं करेंगे ताकि जो कोयले हैं अच्छे से लाल हो जाएं इन्हें रेड कलर करना कलर होना बहुत ज़रूरी है जब अच्छे से कोयले पक जाएंगे तभी हम अपना बारबेक्यू करेंगे इसको पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे आरबे क्यू को हमेशा खुले में रखें नहीं तो ये आपकी रूफ़ काली कर देगा मैंने गलती कर दी यहीं पे जला दिया लेकिन इसके सेफ़्टी हैंडल्स हैं तो इसको मैं बाहर रख देता हूँ खुले में ताकि हमारी रूफ़ जो है काली ना हो बाहर अपना बारबेक्यू ऑलमोस्ट जो है गर्म हो चुका है और मैं आ गया हूँ अंदर मैरिनेशन किए हुए को ऑलमोस्ट एन आवर हो चुका है तो क्या करते हैं हम इनको अब जो हमने मैरिनेशन किया था स्टफ़ उसको अब हम जो सलाइयां होती हैं या कुछ भी आपके पास स्टिक्स हैं उसमें परो सकते हैं तो हम भी परोते हैं तो एक, -एक करके लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे लगाते हैं देख लीजिए हमारी मैरिनेशन किए हुए पनीर अनियंस एंड शिमला मिर्च काफी सुंदर लग रहे हैं तो अब आती है इनको बारी सिलाइयों में परोने की और या फिर कह लीजिए कि स्टिक्स पर लगाने की तो सबसे पहले लगा पनीर हाँ 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 पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है थोड़ा ध्यान से ही लगाना पड़ेगा उसके बाद बारी आती है जी बेल पेपर की मेरी जो स्टिक है आगे से इतनी तीखी नहीं है शार्प नहीं है इसलिए थोड़ा जोर लग रहा है अगर आपके पास प्रॉपर वन है तो इजी हो जाएगा उसके बाद अनियन तो ऐसे करके मैं सारी की सारी स्टिक्स जो है तैयार कर लूंगा लो जी हमने लगा दिया है जो स्टिक्स पर इनको तो कितना सुंदर लग रहा है देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है स्टिक्स पर तो अब ये जाएंगे जी बारबेक्यू में और और भी स्वादिष्ट बन जाएंगी थोड़ा सा स्टाफ अभी बचा है इनको बाद में लगा देंगे क्योंकि मेरे पास फाइव स्टिक्स ही थी तो फाइव स्टिक्स पर हमने इसको लगा दिया है तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बारबे का क्या हाल है हमारा वानी भी उठ चुका है हेलो वानी ये देखिए हेलो वानी थोड़ी सी स्माइल आई है बानी उठ चुका है और सहज बाहर खेलने गई हुई है तो हमारा बारबेक्यू देख लीजिए अच्छे से हीट अप हो चुका है यहाँ पर तो पूरे तरह से कोयले जल चुके हैं और यहाँ पर अभी जलने बाकी हैं पाँच मिनट और वेट करते हैं मैंने थोड़े से कागज भी डाल दिए थे ताकि अच्छे से जल जाए लेकिन इस एरिया में थोड़े और अभी जलने बाकी हैं शायद ज़्यादा बड़ा साइज था आ, जब, न, जब ये जल जाएंगे ना जब ये रेड हो जाएंगे तभी इन पर रखने का मजा आएगा तो थोड़ा और पांच मिनट वेट करते हैं हाँ सहज आ चुकी है और बहुत एक्साइटेड है खाने का है। अभी खाना बारबेक्यू आई डिड यू लाइक दिस वन किया है नाइस पनीर टिक्का इट विल गो इन बारबेक्यू तो लो जी हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट जो है तप चुका है हीट जो है ऊपर जा रही है मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हीट वाला होता है ये देखिए हंड्रेड वो है प्रेशर और टू हंड्रेड जो इसकी हीट जा चुकी है यहाँ पर और टू हंड्रेड यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये गुड टेम्परेचर है तो अब हम अपना करते हैं जो पनीर टिक्का वो इसमें हम बारबेक्यू करते हैं इसके ऊपर वेंट भी होते हैं अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो आप इन्हें खोल और बंद कर सकते हैं पर हम अभी इसको बंद कर देते हैं दोनों वेंट बंद कर दिए हैं

तो लो जी हमारा बारबेक्यू चला गया है ऊपर अब इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं और थोड़े थोड़े समय बाद इसको पलटते रहेंगे सिमर की कितनी अच्छी जो है आवाज आ रही है छाछ छाँ की और खुशबू बहुत ही सुंदर आ रही है तो इसको ढक देते हैं जो का फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे से चला जाए जब तक हमारा बारबे बन रहा है हम साथ में कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय करते हैं शाम बहुत ही टिकी हुई है बहुत ही सुंदर है कोई ज्यादा हवा नहीं चल रही सुंदर से क्लाउड है मैं आपको भी दिखा दूं उस साइड वो देखिए कितने सुंदर क्लाउड हैं। और जो क्रिकेट होता है ना क्रिकेट जो पतंगे होते हैं उनकी आवाज आ रही है बहुत ही अच्छी अच्छी तो क्लाउड देख लीजिए कितने अच्छे हैं वहाँ पर तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने का लो जी शाम जो है ढल चुकी है जैस भी आ चुकी है हेल्प करने के लिए और धुआं देखिए आय हाय हा। बहुत ही जो स्लो आंच पे हमारा बारबेक्यू हो रहा है देखिए क्या खुशबू आ रही है हाँ 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 बहुत ही सुंदर लग रहा है तो ये देखिए कितना सुंदर जो है ना सूरज छिप रहा है ये हमारे घर से दिखाई दे रहा है ये व्यू है सूरज के छिपने का बहुत ही सुंदर और इधर हमारा हो रहा है बारबेक्यू ये देखिए ये हमारी बारबेक्यू चल रही है यहाँ पर मजा आ रहा है बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है ऐसी कुक होने की सिमर होने की तो आज की जो शाम है ना बहुत ही बेहतरीन होने वाली है बच्चे जो हैं कभी अंदर जा रहे हैं कभी बाहर और मैडम ने फुल टाइम ड्यूटी संभाल ली है, आ, मास्टर है ये तो अब इसको निकाल के यस इट्स रेडी तो प्लेट में निकाल लेते हैं इसको गर्म होने की वजह से ना थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ रहा है क्योंकि स्टिक्स भी जो हैं काफी गर्म हो चुकी हैं तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं या कोई सेफ्टी वाला है तो तभी निकालें पर खुशबू क्या आ रही है क्या मजा आने वाला है ओए होए होए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेते हैं इससे टेस्ट दुगना और चौगना हो जाएगा थोड़ी सी टमा सॉस यार कुछ लोग इस, इस पर ना क्रीम जो थी फ्रेश क्रीम जो उसको ना डाल के खाना पसंद करते हैं लेकिन नाइट टाइम हो रहा है तो थोड़ा हल्का फुल्का ना इसलिए हम क्रीम नहीं डाल रहे हैं इसमें तो सहेल सबसे पहले टेस्ट कर रहा है सहेल कैसा बना है यमी यू लाइक इट तो बच्चों को भी देखिए कितना पसंद आता है ये पनीर टिक्का यह है पता पनीर टिक्का हाँ जी यू लाइक इट यस तो लो जी अब करते हैं टेस्ट से थोड़ी सी सॉस डाल ली है थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है आप भी देखिए हमारा जो बारबेक्यू रेडी है जिसमें हमने पनीर टिक्का मसाला बनाया है तो हेल्थ को तो पसंद आया था मुझे भी अल्टीमेट बना है थोड़ा समय लग गया लेकिन आग के आजू बाजू बैठना अच्छा लगता है जब मौसम ठंडा हो ज़्यादा गर्मी ना हो तो उन्होंने अपनी प्लेट ले ली हमने अपनी ये हेल्थी भी है बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि हमने क्रीम वगैरह तो डाली नहीं योगट वाली मैरिनेशन है बहुत ही यमी है यम <laughs> करो सहज कुछ करना चाहती करो ओके सहज कर रही है थम्स अप यस ओवर हियर तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आप आपको जल्दी ही मिलेंगे ओके सी यू टुमारो सी यू लेटर प्लीज ओके सब्सक्राइब कई दंद सी या गाइस बाय